दोस्तों जीवन में कभी सस्ता काम नहीं करना चाहिए। कल डॉक्टर के पास गए थे, हमने कहा प्लास्टिक सर्जरी कर दो मुंह का, तो बोला 15,000 का है। हमने कहा और घर से प्लास्टिक लाए तो बोला 3,000 का। तो यही किया है। वैसे हम पत्रकार हैं और आज आपके सामने कर रहे हैं खास पेशकश, और मैं बहुत पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना दाव पेच आजमा रहा हूँ। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो बड़े ही खास हैं, ऐसी शख्सियत है। अपना अपना छुओ और अपना लग पहन के चलो। ये सूरदास जी हमारे बीच, उदास जी हमारे बीच आए हैं। उदास जी बताइए क्या हालचाल है। अरे क्या बताएं यार, बहुत परेशान है हम। क्यों, क्या हो गया? अरे काढ़ेपन से बहुत परेशान है भाई। अरे इसे तो दूसरे परेशान होंगे, आप क्यों हैं? अरे कल हम इस चक्कर में अपनी बीवी को मार दिए। क्या हुआ? अरे बहुत रोमांटिक हो रही थी तो मारे क्यों? अरे कह रही थी हाँ। कि हम तोरी राधा है हाँ। और तुम हमारे काढ़ा हो। तो और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आपको। बहुत बहुत भाई। जैसे कल एक हकीम को पीटे। क्यों? पेट में गड़बड़ थी हाँ। बोला हाँ। कि काढ़ा पियो। अब क्या बताएं? और भी दिक्कतें होती हैं आपको? अरे बहुत भाई बहुत। कैसे? अरे कल बिल्डिंग के बगल में हाँ। अंधे बच्चों का कोई फंक्शन था हाँ हाँ। हमको चीफ गेस्ट बुलाए। अच्छा फिर? एंकर पता है क्या बोला? क्या बोला? स्वागत करते हैं अंधों में काढ़ा राजा की। अच्छा आपके पड़ोसी आपका क्या कहते हैं? पड़ोसी आपसे क्या कहते हैं? अरे बहुत साले गाना गा के चिढ़ाते हैं हमको। क्या गाते हैं? एक तो साले गाना ऐसा बना दिए हैं। क्या कहते हैं? क्या बताएं आपको? अरे क्या कहते हैं बताइए। काढ़ा सा काढ़ा, मेरा काढ़ा है दिलदार, काढ़िया लू दफा करो। अरे अरे अरे। अच्छा सुनिए, बहुत परेशान है। कोई बात नहीं, सुनिए मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। आपको पतंग पसंद है? बहुत पसंद है। तो कंडी मारना भी पसंद होगा। काहे चिढ़ा रहे हो भाई? अच्छा अच्छा, ये समस्या आपको कब से है? बाबा रामदेव की वजह से। शिविर में गए थे योगा सीखने, योगा सीख नहीं पाए, बाबा रामदेव का स्टाइल सीख लिया, मैं बहुत दिक्कत होता है। अच्छा तो वो तुम हो? साले तुम बाबा रामदेव हो? अरे तो ये क्या है? अरे दिल्ली पुलिस अभी भी पीछा कर रही है। अरे बहुत दिक्कत दिए हो तुम साले, तुम रुको तुम। अरे नहीं। शहर में पहली बार कोई लड़की देखने आए हैं। वैसे हम बता दें आपको, हम बिहार से हैं और हमारा नाम है लल्लन। और आप तो जानते हैं कि हम पे बहुत सारी लड़कियां मरती हैं गांव में, क्योंकि हम रईस हैं, हमारे पापा जमींदार हैं। लेकिन आज पहली बार हम कोई सुंदर मॉडर्न टाइप की लड़की देखने आए हैं। अब हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं लड़की हमें दिख नहीं रही है कि हम किस लड़की से मिलने आए हैं। हाय ललन। अरे क्या बताएं, कसम से एकदम लल्लन टॉप लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे बर्गर के बीच में आलू की टिक्की फंसी हो। तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चाइनीज फोन पे ब्रांडेड कवर चढ़ा दिया हो। अरे यार तुम तो आते ही हमको झंड करने लग गई हो। लेकिन ये बताओ, हम लोग शादी करने जा रहे हैं और मैं तुम्हें अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ सीक्रेट हैं उनको शेयर करना चाहता हूँ। सीधा क्यों नहीं बोलते कि तुम्हें ये जानना है कि मेरा कितने लड़कों के साथ अफेयर है? अरे तो क्या तुम ये बताना नहीं चाहती कि तुम्हारा कितने लड़कों के साथ में अफेयर है? आई हैव नो प्रॉब्लम, बट तुम पहले बता दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अरे तुम दुखती रख पे हाथ रख रही हो। हमारे गांव में ना, हम एक लड़की से सेट थे, अब हम और वो दोनों थिएटर में मूवी देखने जाते थे। अब कई बार हमको थिएटर में कोने वाली सीट नहीं मिलती थी तो पूछो क्या करते थे, पूछो क्या करते थे ललन? अरे जब कोने वाली सीट नहीं मिलेगी तो फिल्म देख कर ही वापस आ जाया करते थे। वेल ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का है जिसको तुम पसंद करती हो? बहुत हैं ललन, बहुत हैं। अरे क्या बात कर रही हो, हम तो गांव से आए थे तुमसे शादी करने के लिए। तुम्हारी लाइफ में लड़के हैं? ऑब्वियस है, लड़के हैं, बहुत हैं। आज दिन मेरी बालकनी में आती रहती है। अरे क्या बात कर रही हो, बालकनी में तुम्हें लड़के देखने आते हैं? इसका मतलब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सब लड़के लड़के दोस्त हैं? नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये सिर्फ बॉयफ्रेंड्स हैं। अरे लगता है हम तो गलत जगह आ गए हैं, रोंग नंबर डायल कर दिया हमने। वैसे ये बताओ तुम्हें हम कैसे लगे, एकदम लल्लन टॉप लगे ना हम? या लल्लन टॉप
ऐसे ऐसे क्या बोल रही हो, हम तो तुम्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, एकदम से अच्छी लग रही हो, हमारे गांव में तुम दुल्हन बन के जाओगी तो हमारी मम्मी बहुत खुश होंगी। लिसन, अच्छा बोल, मैं यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई हूँ, तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे पैसे दिए थे। तुम्हारी शक्ल, ओह गॉड, हमारे दोस्त ने तुमसे पैसे लिए थे यहाँ आने के लिए? मुझसे नहीं लिए थे, मुझे दिए थे। अरे साला, ये तो फंस गए हम, शादी कर लो ना प्लीज हमसे, हमारी अम्मा बहुत खुश होंगी। जस्ट